इंडियन नेवी डबल SSR साइंस पार्ट 9 हीट थर्मोडाइनमिक्स। अभी तक हमने आपको साइंस से रिलेटेड पार्ट 8 प्रोवाइड करे हैं, हर चैप्टर की अलग वीडियो है। तो आपने अभी तक देखा नहीं तो ऊपर आई बटन पे जाइए, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप जनरल अवेयरनेस की वीडियो देख रहे हैं डबल SSR MR के लिए, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको 25 से भी ज़्यादा वीडियोज मिल जाएंगी जनरल अवेयरनेस की। और अच्छी बात यह है कि हर टॉपिक की अलग वीडियो होगी, हर चैप्टर की अलग वीडियो होगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अगर मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया में संवहन की घटना नहीं होती है? इन विच प्रोसेस कन्वेक्शन डज नॉट टेक द प्लेस प्राइमरली। समुद्री और जमीनी हवाओं में जल को गर्म करने में, तंतु के कारण बल्ब के ग्लास का गर्म होने में, या फिर भट्टी के चारों ओर हवा का गर्म होने में। सी एंड लैंड ब्रीज, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वार्मिंग ऑफ ग्लास ऑफ द बल्ब ड्यू टू फिलामेंट, हीटिंग एयर अराउंड अ फर्नेस। चार ऑप्शन होंगे आपके पास। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करिएगा, जिससे आपको आंसर याद रहेगा। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और देखिए, जिसको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जिन्हें पता है कि मैं जो हमेशा मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो उन्हें पता है मेरी वीडियोज़ थोड़ा लेट आती हैं। तो लेट इसलिए आती हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कचरा डालना अपने चैनल पे। जो भी वीडियोस डालता हूँ, अच्छी वीडियोस डालता हूँ, भले मुझे एक दिन दो दिन लग जाए, बट मैं अच्छी वीडियो ही डालता हूँ। ऐसा नहीं एक दिन में दो या तीन वीडियो डालने के लिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल दूँ। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 15 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक प्रेशर कुकर खाना पकने के समय को कम कर देता है। यहाँ पे जो मिस टाइपिंग हुआ है उसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि फ़ोन से एडिट करता हूँ, बहुत मिस टाइपिंग होती है। जैसे यहाँ पे कर लिखा कि होना चाहिए एक प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, क्योंकि ऊष्मा अधिक अच्छी तरह से विभाजित होती है, या फिर कुकर के अंदर का अधिक दाब भोजन को कुचल देता है, या फिर भोजन पकने में रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि ताप बढ़ने के कारण अधिक हो जाता है, या फिर जल का क्वथनांक लिखा है यहाँ पे, देखिए क्वथनांक बढ़ जाता है। ये मिस टाइपिंग हो ही जाती है फ़ोन से, क्वथनांक बढ़ जाता है, बट आप लोग समझदार हो। क्वेश्चन टू, अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर फूड बिकॉज। अगर हिंदी में मिस टाइपिंग होगा तो इंग्लिश में बिल्कुल नहीं होगा, तो आप समझ लीजिएगा। चार ऑप्शन है, हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कुकिंग स्पेस, द हायर प्रेशर इन साइड द कुकर क्रशेस द फूड मटेरियल, या ऑप्शन सी, कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस हेल्प बाई राइज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज। और क्वेश्चन नंबर टू, इसका जो सही जवाब है आप कमेंट में रिप्लाई दीजिए अगर आपको पता है, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, पृथ्वी वर्णक्रम के अवरक्त क्षेत्र में, पृथ्वी वर्णक्रम के अवरक्त क्षेत्र में किरणपात करती है। यह वर्णक्रम सही से दिया गया है प्लांकर किरणपात के नियम से, या फिर स्टीपन के किरणपात के नियम से, या फिर रिलीग जीन्स के नियम द्वारा, या फिर वेंस के नियम द्वारा। द अर्थ रेडिएट्स इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम इज करेक्टली गिवन बाय प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, रेलीग जीन्स लॉ, या फिर वेंस लॉ। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए अगर आपको आंसर पता है, और इसका जो सही जवाब है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री का डी, वेंस के नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, अगर गाइज वीडियो अच्छी लगे तो यार अभी लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इनमें से कौन सी प्रक्रिया गुरुत्व पर निर्भर है? चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर फोर। और इसका जो सही जवाब है, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, संवहन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, ठंडी सुबह में एक धातु की सतह लकड़ी की सतह से अधिक ठंडी महसूस होती है। ठंडी की सुबह में एक धातु की सतह लकड़ी की सतह से अधिक ठंडी महसूस होती है, क्योंकि धातु की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, धातु का ऊष्मीय चालन अधिक होता है, धातु की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, फिर धातु का ऊष्मीय चालन कम होता है। ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग अ मेटल सरफेस विल फील कोल्डर टू टच देन अ वुडन सरफेस बिकॉज मेटल हैज हाई स्पेसिफिक हीट, मेटल हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल हैज लो स्पेसिफिक हीट, या फिर मेटल हैज लो की स्पेलिंग यहाँ पे देखिए गलत हो गई, लो थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, क्वेश्चन नंबर फाइव। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठंडी सुबह में एक धातु की सतह लकड़ी की सतह से अधिक ठंडी महसूस होती है, क्योंकि धातु का ऊष्मीय चालन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म करते हैं, क्योंकि ऊन एक कुचालक है
या शरीर का ताप बढ़ा देता है या फिर ताप घटा देता है या फिर इनमें से सभी। अब वूलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज वूल इज़ अ बैड कंडक्टर, इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी या फिर डिक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी या फिर ऑल ऑफ दी। जल्दी से रिप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर 6 कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म करते हैं क्योंकि ऊन, ऊन क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ऊन एक कुचालक है, इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी के घर, देखिए यहाँ पे कर लिखा हुआ है, यहाँ पे के होगा, मिट्टी के घर सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंड होते हैं क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की सुचालक है। अब मिट्टी ऊष्मा की बहुत ही अच्छी चालक है या फिर मिट्टी उन उनकी यहाँ पे ऊष्मा होगा, मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है, यहाँ पे ऊष्मा होगा, फोन से यार बहुत बहुत गलतियाँ होती हैं, मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है या फिर इनमें से कोई नहीं। अब मड हाउसेस 8 लिखा है, यहाँ पे आर होगा, कितनी गलती हुई यार। मड हाउसेज आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर बिकॉज मड इज़ अ गुड कंडक्टर, मड इज़ अ सुपर कंडक्टर, मड इज़ अ बैड कंडक्टर, नन ऑफ दिस। यार ये मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ, अगर मैं लैपटॉप से एडिट करूँ तो इतनी मिस्टेक ना हो, बट फ़ोन से बहुत मिस्टेक हो जाती है क्योंकि छोटा सा पेज होता है, छोटे से पेज में हिंदी भी लिखना इंग्लिश में लिखना बहुत गलती होती है। तो मड हाउसेज आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर बिकॉज मड इज़ गुड कंडक्टर या सुपर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है, मड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आदर्श प्रक्रिया में डी डब्ल्यू इक्वल जीरो एंड डी क्यू लेस देन जीरो, ऐसे होगा डी क्या लिख रहा, ये ऐसे लिखा था डी क्यू इज लेस देन जीरो, बट लेस देन का साइन नहीं था फ़ोन में, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया डी क्यू लेस देन जीरो। तब गैस के लिए ताप कम हो जाएगा, फिर आयतन बढ़ जाएगा, फिर दाब नियत रहेगा, फिर ताप बढ़ जाएगा। इफ़ अ गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस डी डब्ल्यू इक्वल जीरो एंड डी क्यू इज लेस देन जीरो, देन फॉर द गैस द टेम्परेचर विल डिक्रीज, द वॉल्यूम विल इंक्रीज, द प्रेशर विल रिमेन कॉन्स्टेंट या फिर द टेम्परेचर विल इंक्रीज। जल्दी से रिप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 15 क्वेश्चन निकाले यार, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जिसका भी रीजन आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों होगा, आप अपनी बुक में देखिए, जिस जहाँ भी चाहते हो आप देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दी गई आदर्श प्रक्रिया में डी डब्ल्यू इक्वल जीरो एंड डी क्यू लेस देन जीरो, तब गैस के लिए ताप कम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा मापदंड पदार्थ की ऊष्मा अवस्था का वर्णन नहीं करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं आजकल, यहाँ पे नॉट होना चाहिए, नेट लिख दिया, बट मुझे पता चल जाता मैंने क्या गलती करी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज थर्मोडाइनमिक्स स्टेट ऑफ मैटर, इनमें से कौन सा मापदंड पदार्थ की ऊष्मा अवस्था का वर्णन नहीं करता, ताप दाब कार आयतन टेम्परेचर प्रेशर वर्क वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से रिप्लाई करिए अगर आपको पता है, इसका जो सही जवाब वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्क कार। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ तक कि कार्नाट इंजन की दक्षता 100% नहीं होती क्योंकि हम नहीं कर सकते, विकिरण नहीं होता है, विकिरण होता है, विकिरण को कम या फिर आदर्श स्रोतों की प्राप्ति या फिर परम शून्य ताप की प्राप्ति या फिर घर्षण को हटाना। इवन कार्नाट इंजन कैन नॉट गिव 100% एफिशिएंसी बिकॉज वी कैन नॉट प्रिवेंट रेडिएशन, फाइंड आइडियल सोर्सेज, रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या फिर एलिमिनेट फ्रिक्शन। जल्दी से रिप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ तक कि कार्नाट इंजन की दक्षता 100% नहीं होती क्योंकि हम नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर 10, विकिरण को कम, प्रिवेंट रेडिएशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपरी भाग में स्थित होता है क्योंकि द फ्रीजर इन अ रेफ्रिजरेटर इज लोकेटेड एट द टॉप सेक्शन सो दैट, क्यों होता है बताइए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का पूरा कक्ष संवहन के द्वारा बहुत जल्दी ठंड हो जाता है या फिर मोटर गर्म ना हो इसलिए, या फिर वातावरण से प्राप्त ऊष्मा अधिक होती है या फिर वातावरण से प्राप्त ऊष्मा कम होती है। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए जिसको भी पता है, द फ्रीजर इन अ रेफ्रिजरेटर इज लोकेटेड एट द टॉप सेक्शन सो दैट द इंटायर चैम्बर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज कूल्ड क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन, द मोटर इज नॉट हीटेड, द हीट गेंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज हाई, द हीट गेंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज लो। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए, रेफ्रिजरेटर का पूरा कक्ष संवहन के द्वारा बहुत जल्दी ठंड हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रुदोष्म क्रिया में, आज देखिए गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो क्योंकि आज मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर बता रहा हूँ आपको। रुदोष्म क्रिया में जो, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा प्लीज़। रुदोष्म क्रिया में जो राशि नियत रहती है, देखिए यहाँ पे दो जो लिख दिए इसको हटा दो, रुदोष क्रिया में जो राशि या फिर रुदोष्म क्रिया में राशि जो नियत रहती है वो कौन सी है, आयतन है, दाब है, ताप है या फिर प्रणाली की पूर्ण ऊष्मा है। इन एन एडियोबेटिक प्रोसेस द क्वांटिटी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रणाली की पूर्व पूर्ण ऊष्मा। रुदोष्म क्रिया में प्रणाली की पूर्ण ऊष्मा नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्मा का प्रथम नियम एक विशेष कारक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊष्मा का प्रथम नियम एक विशेष कारक है, बायल के नियम का, चार्ल्स के नियम का, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम का। जल्दी से रिप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर 13, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम का। ऊष्मा का प्रथम नियम एक विशेष कारक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। निर्वात में रखे एक सिलेंडर में पूर्ण गैस भरी है, यदि सिलेंडर अचानक फट जाए, तब ताप शून्य के जीरो होगा या फिर शून्य के हो जाएगा, फिर घटता है या फिर बढ़ता है या फिर अपवर्तित रहता है। अ परफेक्ट गैस इज कंटेंड इन सिलेंडर केप्ट इन वैक्यूम, इफ़ द सिलेंडर सडनली बर्स्ट देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस बिकम्स जीरो के या इज डिक्रीज्ड या फिर इज इंक्रीज्ड या फिर रिमेन अनचेंज्ड। जल्दी से रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 14, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए यफी लिखा है, यदि क्या हुआ यार, कितनी मिस्टेक हुई, यदि स्रोत का ताप बढ़ जाता है तो करनाट इंजन की दक्षता, एक्चुअली फ़ोन उतना अच्छा नहीं है बट थोड़ा स्लो चलता, हैंग होता है तो पता नहीं मिस टाइपिंग हो ही जाती है, और इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे दोबारा लिख पाऊँ, इसलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे यफ़ी है, छोटी छोटी मिस्टेक है बट क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी वैसे। यदि स्रोत का ताप बढ़ जाता है तो करनाट इंजन की दक्षता बढ़ती है, घटती नियत रहती है, पहले बढ़ती है फिर नियत रहती है। अब देखिए हिंदी में गलत है तो इंग्लिश में गलती नहीं होगी, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड द इफिशियंसी ऑफ द करनाट इंजन इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कॉन्स्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करिए, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का ए, यदि स्रोत का ताप बढ़ जाता है तो करनाट इंजन की दक्षता बढ़ती है। तो इस चैप्टर से 15 ही क्वेश्चन थे, और मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करी बट मुझे पता है फिर भी वीडियो 12 से 13 मिनट की जरूर हो गई होगी, क्योंकि मुझे दोनों लैंग्वेज बताना पड़ता है, हिंदी में बताना पड़ता है, इंग्लिश में बताना पड़ता है। सोचो अगर मुझे एक लैंग्वेज बताना पड़े तो ये वीडियो 5 से 6 मिनट की ही बने, बट मुझे सबको देखना है, कमेंट्स मैं जरूर पढ़ता हूँ, आप जैसे कमेंट करते हो, बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश बनाओ हिंदी में बनाओ, तो मैं सोचा दोनों लैंग्वेज बनाऊँ, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बनाता हूँ, जिससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वीडियो यार अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो बस यार इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।